बता रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश, एक 4 अप्रैल को डराने वाला आंकड़ा आया था और एक आज की तारीख है, 1 लाख का जो आंकड़ा है वो भी क्रॉस कर गया नए मामलों की बात करें तो। देखिए, जिस तरह का रोजाना कोरोना संक्रमण का डेटा आ रहा है, आंकड़ा आ रहा है, इतना आंकड़ा तो बीते साल जब इस महामारी की शुरुआत हुई थी और ये महामारी पीक पर सितंबर के महीने में, तब भी 1 लाख को पार नहीं किया था। आप देखिए कि मध्य फरवरी से लेकर और अभी तक, यानी मार्च और अप्रैल की शुरुआत है, तकरीबन 1 महीने 20 दिन में क्या हालात हैं, यानी कहां 8,000 तक कोरोना संक्रमण के मामले हर दिन आ गए थे और कहां अब 1,15,000 के ऊपर पहुंच गए हैं। कल भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, डॉक्टर वीके पॉल जो नीति आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगले जो 4 सप्ताह हैं वो बेहद क्रिटिकल हैं देश के लिए। आज भी देखिए, जो 1,15,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले आए हैं उसमें 55,000 से ज्यादा महाराष्ट्र का योगदान है, यानी लगभग जो संक्रमण के मामले देश भर में आ रहे हैं उसमें 50%, यानी आधे मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। और इसी तरह मैं आपको बता दूं, अगर आंकड़े आते रहे तो ये महामारी बेकाबू भी हो सकती है, इस तरह की पूरी संभावना है। हालांकि केंद्र इसके लिए कदम उठा रहा है। देखिए, 3 राज्यों में कल फिर से टीम भेजी गई है, महाराष्ट्र में केंद्र सरकार की तरफ से टीम भेजी गई है, छत्तीसगढ़ में टीम भेजी गई है और पंजाब में टीम भेजी गई है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है, उसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और वो भी तब, देखिए, 8 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, इसके बावजूद संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बात की पूरी संभावना है कि अगले ही 1 या 2 सप्ताह में जो एज लिमिट है वैक्सीनेशन की, उसको कम किया जाए, इस बात की पूरी पूरी संभावना है। उच्च स्तर पर विचार चल रहा है और जल्द ही एज लिमिट भी घटाई जा सकती है, क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को गति देनी है, इस पर भी केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लोग अपना सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिनको सावधानी बरतनी चाहिए वो सावधानी नहीं बरत रहे हैं, इसीलिए महामारी बेकाबू होती जा रही है। जी, सब कुछ जानते हुए भी लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उन्हें मास्क पहनना है, लोगों से दूरी बनानी है, भीड़भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, आखिर लोग समझ क्यों नहीं रहे, वाकई बड़ा सवाल है। अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं, मौलिक धमेजा है वहां से। मौलिक, वहां की क्या स्थिति है, क्या आंकड़े हैं वहां पर और किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल अजीत सरा, के आंकड़े हैं वो कोरोना संक्रमित के गुजरात में भी बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पे 20 अलग अलग राज्यों के जिलों में हेल्थ बुलेटिन जो है वो लगातार देखते हुए ऐसा जानने मिला है कि वहाँ संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए नाइट कर्फ्यू जो है उसमें 1 घंटे की मोहलत जो है वो बढ़ा दी गई। इसीलिए 20 अलग अलग जिलों में आज से रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू है वो लगाया गया है। साथ ही साथ आज नया हेल्थ बुलेटिन आएगा, इसके पहले जो हेल्थ बुलेटिन आया है उसकी बात करें तो गुजरात में कल ही 3,280 नए केस सामने आए थे और साथ ही साथ 17 लोगों के एक ही दिन में मौत पाए गए हैं। 2,167 लोग जो जिंदा वापस घर पे जा सके हैं कोरोना के चलते। साथ ही साथ सरकार की जो कल मीटिंग हुई थी, कैबिनेट मीटिंग आज होने वाली है, जिसमें और नए जो सुझाव है वो आ सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी निर्देश किए थे कि जिस प्रकार से गुजरात में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या बढ़ रही है वो गंभीर परिस्थिति हो सकती है और इसीलिए लगातार जो परिस्थिति के देख कर लॉकडाउन जरूरी लगता है, पर अभी लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। तो आज जो हेल्थ बुलेटिन आएगा उसमें कई अलग अलग आंकड़े दिख सकते हैं, साथ ही साथ सरकार कुछ नई नीतियां जो है वो भी बना सकती है आगे के दिनों में, क्या करना है क्या नहीं करना। फिलहाल देखें तो लोगों को जो गंभीरता देखनी चाहिए वो गंभीरता फिलहाल नहीं दिख रही है, इसीलिए कोरोना का संक्रमण जो है वो बारी बार गुजरात में और गुजरात के अलग अलग जिलों में जो है वो बढ़ता जा रहा है। खास अहमदाबाद की बात करूँ तो अहमदाबाद में एक ही दिन में 3,000 के ऊपर केस जो है वो सामने आते हैं। ये आंकड़े हैरान करते हैं कि एक ही दिन के आंकड़े इतनी बड़ी संख्या में, लेकिन बावजूद इसके लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन आ गई है तो शायद कोरोना खत्म हो गया, जो बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों की है। और लगातार जी न्यूज अपने दर्शकों को इसे लेकर आगाह भी कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां पर मास्क नहीं पहने एक शख्स को पुलिस वालों ने जमकर पीटा। बीच सड़क पर पुलिस वाले शख्स को उसके बच्चे के ही सामने बुरी तरह पीटते रहे। इस दौरान बच्चा अपने पिता को छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वो नहीं सुन। दूसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली की है, जहां पर हौजखास इलाके में कुछ युवकों को पुलिस ने मास्क के लिए टोका तो उन्होंने पुलिस की ही पिटाई कर दी। दोनों तस्वीरें देखिए।
एक इंदौर की तस्वीर है, दूसरी दिल्ली की। इंदौर में एक व्यक्ति मास्क जब वो नहीं पहने हुए था तो पुलिस वालों ने उसको बेरहमी से पीटा, बच्चे के ही सामने। बच्चा रोता बिलखता रहा, पिता को छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस नहीं मानी। लेकिन दूसरी तस्वीर थोड़ी अलग इसीलिए क्योंकि यहाँ पर केस उल्टा है। कुछ युवकों को दिल्ली के हौजखास इलाके में पुलिस ने जब मास्क पहनने के लिए कहा तो किस तरह से वो पुलिस पर ही टूट पड़े, तस्वीरें देखी। ये इंदौर में एक मास्क पहनने के लिए बोला गया, लेकिन उसके बाद किस तरह से यहां बेरहमी की गई एक शख्स के साथ, जमकर पिटाई हुई है उस शख्स की। मास्क ना पहनने को कहा गया, लेकिन मास्क नहीं पहनने के बाद जब टोका गया उसके बाद ही मामला बढ़ा और पुलिस ने जमकर पीटा है। तो एक शख्स को इस तरह से बेरहमी से पीटने की तस्वीरें इंदौर से सामने आई है। बच्चे के साथ एक पिता बिना मास्क के जा रहा था। देखिए, मास्क पहनने पर आप जुर्माना लगा सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन इस तरह से बेरहमी करना कि सड़क पर ही बुरी तरह एक व्यक्ति को पीटना, उसका बच्चा बगल में खड़े होकर ये लगातार गुहार लगाता है कि पिता को छोड़ दिया जाए, लेकिन पुलिस वाले नहीं सुनते। और देखिए कितनी बुरी तरीके से मारा जाए। मास्क ना पहनने के लिए इस तरह का सलूक आखिर क्या जायज है? एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। लेकिन अकेला भारत ऐसा देश है जहां लोकशाही आज भी जीवित है। लोकशाही